आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी कि 15 जून सन 2015 की रात के 12 बजे इंडिया के एक छोटे से गांव यानी कि पुरी में एक ऐसी विचित्र सी घटना घटती है दोस्तों, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, जो माना जा सकता है इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और वो घटना ये थी कि रात के 12 बजे 15 जून 2015 को पुरी की एक साथ लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है, सारे इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई बंद कर दिए जाते हैं। कारण क्या था? कारण सिर्फ यही था कि उस रात भगवान श्री कृष्ण का दिल एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाना था। जी हां दोस्तों, मैं एक असली फिजिकल दिल की बात कर रहा हूं, मैं कोई स्पिरिचुअल या फिर किसी तरह के विश्वास वाले दिल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक ऐसा दिल जो कि पिछले 5000 सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है, और आज भी हर 12 साल में भगवान श्री कृष्ण के उस असली दिल को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन ये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा विचित्र होती है, जिसे आप लोग सुन लेंगे तो आप लोग हक्के बक्के रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये दिल कोई मामूली दिल नहीं, एक ऐसा दिल है जिसमें पूरी दुनिया बदलने की, पूरी दुनिया बनाने की, पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत है। दोस्तों आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के असली दिल की पूरी एक सच्ची दास्तान बताने वाला हूं, जो आज भी जगन्नाथपुरी के उस मंदिर में प्रिजर्व करके रखा गया है। और मेरी एक गारंटी है, ये दावा है, ये कहानी और ये किस्सा आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग चौंक जाएंगे, और जिस किसी को भी बताएंगे वो अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। अगर आप लोगों को भी ये किस्सा जानना है पूरी तरह से तो बने रहिए अंत। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं, मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी दास्तान बताने वाला हूं जो आपको बहुत बड़े एक शॉक में डाल सकती है। दोस्तों ये बात है आज से तकरीबन लगभग 5000 साल पहले की। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु थी, उनकी उम्र हम जो नॉर्मल जो उम्र होती है आज के टाइम में उनसे काफी ज्यादा थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक बहुत ही एक अलग तरह की मिस्ट्री थी। दरअसल वो एक जंगल में किसी कारण से पहुंचे थे, शायद कहा जा सकता है कि तप करने के लिए, और उसी समय उस जंगल में एक शिकारी भी पहुंचा था, जो कि गलत फहमी की वजह से एक हिरण का शिकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को तीर चला देता है, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है। जब वो शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा देह था वो तो जल जाता है, लेकिन आखिर में बचता है सिर्फ और सिर्फ एक मेटल। मेटल क्या था? मेटल कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिल था, एक ऐसे धातु से बना हुआ दिल जो शायद आज की दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यह दिल कोई मामूली दिल नहीं था, यानी कि कोई मसल से या फिर फ्लैशेस से बना हुआ दिल नहीं, इसमें कोई इसी तरह का खून का कोई कतरा भी नहीं था, बल्कि मानो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी। जैसे ही वो शिकारी वहां पर पहुंचा और उस दिल को हाथ लगाया तो वो दिल जोरों से वाइब्रेट करने लगा और एक साउंड क्रिएट करने लगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गया, उसने सोचा कि मैं इसका क्या करूं। उसने सोचा कि मैं इस चीज को बेच देता हूं, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो लगभग पूरे भारत का भ्रमण करता है इस दिल को बेचने के लिए, हालांकि वो शुरुआत में किसी को भी नहीं बताता है कि ये चीज क्या है। उस जमाने में ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये बहुत बड़ी बात थी, लोग सदमे में जा सकते थे, इस कारण से किसी ने भी इस दिल को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये आखिर ये है क्या, किसी को भी नहीं पता था ये भगवान श्री कृष्ण का दिल है। सभी लोग मना करते चले गए और फिर वो शिकारी भी परेशान हो गया, और फिर आखिर में थक हार कर उस शिकारी ने उस दिल को एक लकड़ी के लट्ठे में बांधा और एक नदी में प्रवाहित कर दिया। बहते रहा, बहने के कुछ ही समय बाद वो लकड़ी का लट्ठा जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का एक असली दिल था वो पहुंच गया जगन्नाथपुरी के उस छोटे से शहर में। जब वहां के राजा को ये लकड़ी का लट्ठा मिला तो वहां पर उस शिकारी को जैसे तैसे करके पता करके बुलाया गया। शिकारी ने आखिरकार बता ही दिया कि ये चीज क्या है,
वो चीज कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा दिल था जो बहुत ही ज्यादा अनोखा और बहुत ही ज्यादा विचित्र था। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो राजा ने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दिल है इसे भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनवाई जाएगी, उसके अंदर प्रिजर्व करके रखा जाएगा। लेकिन सब लोग चौंक इसलिए जा रहे थे कि जब कभी भी वो दिल लाइट के कांटेक्ट में आ रहा था तो वो जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा था और साउंड क्रिएट कर रहा था, मानो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा था, क्योंकि लोगों को उसको छूने से झटके भी लग रहे थे। जैसे तैसे करके किसी तरीके से मंदिर बनाया गया और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाई गई। वो मूर्ति जब धातु की बन रही थी तो समझ में आया कि जो धातु है उसके कॉन्टैक्ट में जब दिल आ रहा है तो उससे लग रहा है करंट, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी भी मेटल, जो कोई भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता ही होता है ना। लेकिन फिर ये चीज वहां के लोग समझे और फिर जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनाई गई, और लकड़ी की मूर्ति बनाई जाने के बाद उस मूर्ति के बीच में एक चैम्बर बनाया गया और उस चैम्बर में इस दिल को रख दिया गया। काफी साल बीतते चले गए, समय समय पर इस मूर्ति को भी रिप्लेस करना पड़ा। रिप्लेस यानी कि इस दिल को उस मूर्ति के अंदर से निकाला जाना था और हर 12 साल में एक नई मूर्ति के अंदर डालना था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। 12 साल होते होते तक वो जो दिल था, वो जो लकड़ी की मूर्ति बनी हुई थी, उसमें बदलाव लाना शुरू कर देता था। यानी कि ऐसा लगता था कि वो जो मूर्ति है वो उस दिल की वजह से खराब हो रही है। इसके पीछे का कारण कोई नहीं समझ पाया। आज से लगभग 50 साल पहले कोई रहा होगा, उसने ये पता किया कि इसके अंदर से कोई एक सिल्वर सी जो लिक्विड होती है वो निकलती है, उसी वजह से ये मूर्ति में खराबी आ जाती है। और इसी कारण से हर 12 साल में दिल को उस पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाना होता है। और फिर उसके बाद जब ये मतलब चीज, ये जो न्यूज थी सब लोगों तक पहुंची, तो एक रूल पास हो गया कि जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण का दिल पुरानी मूर्ति से चेंज किया जाना या फिर ट्रांसफर किया जाना होगा तो आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, हाथों में ग्लव्स रहेंगे और पूरे पूरी शहर की लाइट बंद करनी होगी, तभी तो कोई नहीं देख पाएगा। नहीं तो अगर कोई देख लेगा तो उसका डिजाइन कहो या फिर आकृति कहो वो लीक कर दी जाएगी, और इससे बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंच सकती है और नहीं पता कि इससे क्या प्रॉब्लम या फिर क्या मुसीबत या फिर क्या अनहोनी फेस करनी पड़े। इसलिए ये रूल पास किया गया। उसके बाद से आज भी जब कभी भी उस दिल को एक मूर्ति से ट्रांसफर किया जाता है दूसरी मूर्ति पर, तो वहाँ के जितने भी पुजारी होते हैं वो अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं। रात के 12 बजे का घनी अंधेरी का समय होता है, पूरी लाइट्स ऑफ की जाती है, ग्लव्स पहने जाते हैं और फिर ही ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज साउंड कर रही है, लेकिन ये पूरी पूरी सच है। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम है आयरन मैन, आयरन मैन में भी दिखाया गया है, जो उसका हीरो है यानी कि आयरन मैन है, उसका भी दिल जो है वो मेटल का बना हुआ है। यानी कि जो आज टेक्नोलॉजी हम दिखा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में तो ना जाने कितने हजारों साल पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन थे, या फिर उन्हें एक भगवान भी कहते हैं लोग, वो भगवान ही थे, इसी वजह से उनका दिल हमारी तरह नहीं था। लेकिन आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण तो इस दुनिया से अपना देह त्याग कर दिए, लेकिन क्यों उनका दिल आज भी यहां पर एग्जिस्ट करता है ये कोई नहीं समझ पाया। कहीं इसके पीछे कोई गहरा कारण तो नहीं है? हमें फ्यूचर के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आज के लोग जो इस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में भगवान श्री कृष्ण वापस आए और इस चीज का कोई बड़ी चीज में उपयोग करें, हमें नहीं पता। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है MIT, वो भी एक इसी तरह का जो दिल है, मतलब कहते हैं ना कि मतलब आज भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसका दिल ट्रांसप्लांट कर दे, मतलब उसके अंदर नकली दिल लगा के उसे जीवित किया जाए। तो वो लोग भी एक तरह का एक ऐसा ही दिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मेटल का ही होगा। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी उस ज़माने में भी एग्जिस्ट करती थी, टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती ही थी, तभी तो भगवान बलराम खुद एक टेस्ट ट्यूब चाइल्ड थे। भगवान बलराम ही नहीं, महाभारत के बहुत बड़े पात्र यानी कि कौरव, जितने भी कौरव भाई थे वो सारे टेस्ट ट्यूब चाइल्ड ही थे। यानी वो जमाने में चीज ऐसी थी जो हम काफी समय पहले तक मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। बहुत सारी चीज तो हम आज सीखे हैं,
लेकिन हमारी वाली जो वो वाली जनरेशन है आज से हजारों साल पहले की, वो ये सारी चीजें देख चुकी है, समझ चुकी है। ब्रह्मास्त्र की बात कर लो जो कि रिलेट कर सकता है न्यूक्लियर बम से। दोस्तों अगर यहीं पर हम फिर से इस दिल की बात करें तो बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का दिल है ना, ये कोई नॉर्मल धातु से नहीं बल्कि अष्ट धातु से बना हुआ है। अष्ट धातु मतलब 8 अलग अलग धातुओं का मिश्रण, और उसके अंदर कोई स्पेशल तरह की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और इसी वजह से अगर वो लाइट के कॉन्टैक्ट में आती, चाहे वो सनलाइट हो या फिर हमारी ये ऑर्डिनरी लाइट हो, किसी भी तरह के लाइट के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है, साउंड क्रिएट करने लगती है। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी कहना है भगवान श्री कृष्ण का ये जो दिल है, ये एक बहुत ही बड़ा एनर्जी पैदा करने का स्रोत है। लेकिन क्यों है, इसका कारण आज तक कोई नहीं बता पाया है। भगवान कृष्ण तो आज भी इस दुनिया के कण कण में वास करते ही करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है इस दुनिया में। तो फिर आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिल इस दुनिया में छोड़ दिए, वो भी एक ऐसा दिल जो शायद आज की टेक्नोलॉजी में हम नहीं समझ पा रहे हैं, शायद आने वाली टेक्नोलॉजी में हम समझ पाए। क्या सचमुच में भगवान श्री कृष्ण फ्यूचर में वापस आएंगे और फिर इस दिल का कहीं उपयोग करेंगे, या फिर ये एक नॉर्मल कोइंसिडेंस है, आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो थोड़ा अलग और बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है अब तक देखें तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों अपने सभी करीबी लोगों के साथ, ताकि सभी लोगों को ये बहुत ही विचित्र और अनोखी चीज पता चले। क्योंकि ये जो भगवान श्री कृष्ण का दिल है, ये सीधे सीधे एक चक्रा के शेप का है, क्योंकि जिन पुजारियों ने हाथ लगाए हैं उनकी खबरों की माने, इंटरनेट की माने या फिर दूसरे स्रोत की माने, तो उनका यही कहना है कि ये एक चक्रा की तरह गोल है, जो कि सीधे सीधे रिलेट करता है भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर के उस चक्र के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा विचित्र और अनोखा है। इस चक्र को आप जिस किसी भी डायरेक्शन से देखो, ऐसा लगता है कि वो चक्र सीधे सीधे आपको ही फेस कर रहा है, जिस किसी भी डायरेक्शन से देखो। हालांकि इस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी या फिर फिल्मोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी ये जो दिल है या फिर भगवान के मंदिर के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दिखा सकता। लेकिन आज भी विश्वास मानो या ना मानो, ये जो मंदिर है ये ऐसे ऐसे अनोखे चमत्कारों से छुपा हुआ है दोस्तों, जिसे रिवील करना या फिर जिसे समझना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। मन में कुछ भी बात है, मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह का और भी कोई वीडियो बनाऊं तो अपने सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं। जब तक हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।